जिला स्वास्थ्य समिति एवं विशेष संचारी रोग दस्तक अभियान के जिला टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने सभी एमवाईसी को कड़े निर्देश दिए कि नियमित टीकाकरण 100% सुनिश्चित हो और आशा एवं एएनएम के लक्ष्य निर्धारित किए जाए और जो अपने लक्ष्य व दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरते तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाह आशा एवं एएनएम की सूची सभी एमवाईसी हर हाल में 2 नवंबर तक उपलब्ध कराएं ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों एवं आशा एएनएम आदि की बैठकें एक सप्ताह के अंदर आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु एक वृहद कार्यशाला भी आयोजित किया जाए तथा ग्राम प्रधानों से निरंतर संवाद स्थापित करते हुए उनके माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य योजनाओं के संबंध में जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य योजनाओं के विभिन्न मदों में शासन से प्राप्त धनराशि का 100% व्यय समयबद्ध ढंग से संबंधित अधिकारी अवश्य कर ले और धान की उपलब्धता के बावजूद जिस भी मद में व्यय प्रतिशत कम पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जब आएगा तो बनवा देंगे भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे तुम्हारी खुलोस खाली बात, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, शिफ्ट कर दो ना। तुमने नंद कुमार जी को कितनी बार बोला है अलग मीटिंग कराई, अलग मीटिंग कराई, ये बड़ी बैठक में छोटी चर्चा हो गई है बारीकियों के बारे में। 30% ठीक है, 7 महीने और बढ़ जाता है, ये खर्च हो जाएगा। क्यों शो नहीं कर रहा है डीपीएम साहब?